स्वागत है आपका दोस्तों। आज एलन ब्रैडली की VFD ड्राइव है हमारे पास। इसका कंट्रोलर जो है पावर फ्लेक्स 40 है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा VFD है। इसमें ये 1, 2, 3, 4 करके हैं, ये डिजिटल इनपुट आउटपुट है हमारे। और R1, R2, R3 जो है ये रिलीज आउटपुट है हमारे। ठीक है, L1, L2 करके हमारा इस प्रकार से है। देखिए ये VFD है हमारे पास 2.2 किलोवाट यानी 3 HP की है दोस्तों, 3 फेज की है। ठीक है, ये देखिए हमारे जैसे अभी मैंने पहले बताया था, ये इनपुट पावर की सप्लाई है, हमने जोड़ दी है। ठीक है, L1, L2 और L3 में। और UVW जो है ये हमारे मोटर के वायर हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम MCV ऑन करेंगे हमारे डिस्प्ले ऑन हो गई है। देखिए दोस्तों, इसमें अभी पैरामीटर बता रहा है B002, यानी जो डिस्प्ले हमारा शो हो रहा है वो हमारी डिस्प्ले शो हो रहा है। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे रोक के आप देख भी सकते हैं। इसमें सॉफ्ट कीज़, डिस्प्लेज और ऑन ऑफ के बटन के बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसमें B के पैरामीटर बता रहा है। तो अभी इसमें देखिए रन, फॉरवर्ड, रिवर्स का इंडिकेशन दिखा रहा है और इस साइड वोल्टेज, एम्पियर और हर्ट्ज का सिग्नल दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसमें देखिए एस्केप वाले में जाए, ESC है जो की सॉफ्ट कीयर्स की, इससे हम पैरामीटर चेक कर सकते हैं। देखिए D के पैरामीटर हमने D001 आउटपुट फ्रिक्वेंसी, D002 कमांड फ्रिक्वेंसी, D003 एम्पियर और D004 वोल्टेज के रेफरेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे D0 यहाँ पे 3 डालेंगे तो एम्पियर बताएगा, जो आउटपुट हमारा करंट चल रहा होगा वो दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 में हमारा वोल्टेज दिखाएगा आउटपुट का। अभी हमारा आउटपुट जाने रहे तो हमारा 0-0 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये फॉरवर्ड कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रोटेशन का ग्रीन वाला ऑन, ये पोर्ट है हमारा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी लेकर आएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।